आपके फ्यूचर आपके हाथ में, कोई भी जितने भी बड़े यू नो पीपल यू सी ऑल ओवर द वर्ल्ड, टाटा अंबानी जो भी, दे हैव नॉट बिकम रिच बाय डूइंग नथिंग। किसी के लिए अपने पूर्वज ने बहुत लाखों रुपए रखे नहीं किया, बिल गेट्स के लिए इतना पैसा रखे नहीं किया था, बट माइक्रोसॉफ्ट आज कहां पे पहुंच गया, ही इज द वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, नॉट जस्ट लाइक दैट। आज जितने मेहनत करोगे आपके फ्यूचर में वही चीज आएगा। मैं अगर आज से ज्यादा अगर मैं मेहनत करता तो मेरा फ्यूचर कल शायद और कुछ और होता। मैं एक छोटा सा सही शेवरलेट शेवी में नहीं घूमता, मेरे साथ मस्टंग हो सकता था ना, तो मैंने कहीं तो कुछ कम किया होगा। That I could just see a Mustang, I could not like or drive a Mustang. मेरे फेवरेट कार मर्सिडीज बेंज, मैं चाहता तो ले सकता था, नहीं ले पाया। क्यों? क्योंकि मैंने उतना मेहनत नहीं की। उतना मेहनत अगर करता तो आज मेरे पास मर्सिडीज होता। सो एवरी वन विल लुक एट यू विथ वॉट एवर रिसोर्सेज दैट यू हैव और यू कैन एक्युमुलेट इन योर लाइफ। वो ऐसे ही जीवन जाएगा, लॉटरी नहीं है, कोई लॉटरी नहीं है। तो आप सोच लो कि अपने आप को कहां देखना चाहते हो, समझ में आया? ये सोचना शुरू कर दो अभी से, क्योंकि क्लास 8 में जाने के बाद आपको बस फोकस रहना पड़ेगा अपने स्टडीज पर। जंगलों में एक दिन के लिए, बट आई एंजॉयड बिकॉज दैट इज व्हाट आई वांटेड टू बी।
मैं बड़ौदा में आई हैव डन माय ग्रेजुएशन इन अप्लाइड आर्ट्स बट द बैक ऑफ माय माइंड वाज आई विल लर्न फोटोग्राफी आई हैव बीन डूइंग फोटोग्राफी फॉर द लास्ट 42-43 इयर्स पैशनेटली पहले मेरे पास नहीं होता था तो मैं किसी और के कैमरे से करता था रिक्वेस्ट करता था मुझे एक बार शटर को यूज करने से और बाद में वो कैमरा मुझे दे देता था कि हाँ आज से आप ही करो द टू वे very famous artists but then someone said nahi aisa nahi ho sakta hai now you have married bada galti kar liya tha shaadi nahi karta to aaj shayad main yahan hi hota you need a permanent job kbs mein abhi bahal hi ho raha hai job to zabardasti mujhe bheja gaya my wife also applied thank god she didn't get Because we would never, लेकिन it didn't change. At least my home was there where she was a homemaker. She was making it. She was already working. मैंने दोनों KVS में होने तो गड़बड़ हो जाएगा. खैर जो भी हो, I got my job. और पहले दिन जब ये दशमी के दिन मेरे पास letter आया, एक registered pack. I didn't know what it is, and my father-in-law said, "You applied for the job, na? I think you got a job." He was the auditor general. मैं खोला उसके अंदर में बहुत सारा कुछ निकला और केवीएस पता नहीं अभी चेंज हुआ कि नहीं पहले जो लेटर भेजता था ना अपॉइंटमेंट लेटर जिंदगी में एक ही मेमो मुझे मिला था दैट वाज माय मेमोरेंडम विद अपॉइंटमेंट आप लोग देखो अपने अपॉइंटमेंट लेटर उसमें मेमोरेंडम लिखा होगा तो योर लाइफ स्टार्ट्स विद अ मेमो बट दैट मेमोरेंडम उसके अंदर में सिर्फ लिखा था कि केंद्रीय विद्यालय बारागोलाई अब मुझे नहीं पता था बारागोलाई है कहाँ तो द बेस्ट प्लेस टू गो इज टू गो टू द जीपीओ तो रात में जीपीओ गया बड़ा सा डायरी निकाला देखते रहे बारागोलाई कहीं नहीं मिला क्योंकि बारागोलाई नाम का कोई पोस्ट ऑफिस था ही नहीं इट वॉज मार्गरेटा तो ढूंढ रहा था कहाँ है सबसे पूछा कोई नहीं जानता था बारागोलाई के बारे में और मेरे घर के बगल में कोल इंडिया का गेस्ट हाउस था एक दिन मैं रास्ते में किसी से बात कर रहा था किसी कोल इंडिया के ऑफिसर ने सुना आप बारागोलाई की बात कर रहे हैं वो नॉर्थ ईस्टर्न कोल फील्ड्स है मार्गरेटा में अपर असम तो मैंने कहा चलो कहीं है तो ऑन दैट फादर इन लॉ थे थोड़ा दिन विन देख के बोले आज जाओ इतना अच्छा दिन देखा कि पूरा रात मुझे काजीरंगा में बिताना पड़ा बुधवार था मैं नाइट सुपर नेटवर्क के नाइट सुपर था गए और रात में नींद आ गया था फर्स्ट दिन हुआ इतना लॉन्ग डिस्टेंस और मैं बस में सो गया नींद जब खुली देखा था ये तो जब मैं शुरुआत किया था सोने का तभी ये जगह था अभी भी वही जगह है क्या बात है तो बोले कि नहीं काजीरंगा के रास्ते में वो पेड़ गिर गया है इसलिए आप नहीं जा सकते रात भर वही रहे और 1 बजे करीब हम मार्गरेटा पहुंचे वहां पे एक होटल था वहां पे जाके मैंने अपना सामान वगैरह रख के बोला कि हमें केंद्रीय विद्यालय जाना है बोले ऐसा कुछ स्कूल नहीं है पूरा रात भर जंगल में रहे यहाँ आए बोले केंद्रीय विद्यालय है नहीं मैंने बोला है यार बारागोलाई में है केंद्रीय विद्यालय अच्छा सेंट्रल स्कूल वो बस वाला ने मुझे छोड़ दिया गया स्कूल में देखे बच्चे जा रहे हैं ब्लू और व्हाइट कलर के ड्रेस थे तब तो बच्चे बस स्कूल छुट्टी हो रहा था हो गया था प्राइमरी के बच्चे जा रहे थे तो मैं अंदर गया तो वहां पे प्रिंसिपल सर थे नहीं एक पीजीटी मैथ्स राजीव दास वो मेरा फर्स्ट ज्वाइनिंग प्रिंसिपल था मुझे ज्वाइनिंग लेटर लिखने दिया तो पहले मैंने स्टार्ट किया आधा लिखने के बाद देखा लाइन इधर उधर जा रहा है मैंने उसको हटाया दूसरा लिखा तब तक घंटी हो गई छुट्टी भी हो गया सारे लोग आके देखा बोले कौन आया है मतलब वहां कोई ज्यादा नहीं था ऐसा स्कूल था सब आके बोले हाँ हाँ अच्छा नया ड्राइंग टीचर हमारे यहाँ ड्राइंग टीचर था ही नहीं आप पहले ड्राइंग टीचर है बहुत सारे बातें हुई ज्वाइनिंग हुआ फिर राजीव दास ने कहा कि आप कहाँ रुके हैं उन्होंने कहा वहाँ अरुणाचल गेस्ट हाउस में हाँ चलिए चलते रहे आप फिल्म देखते हैं मैंने कहा कैसा प्रिंसिपल है यार अभी ज्वाइनिंग हुआ है मेरे को बोल रहे हैं फिल्म देखते हैं चलिए चलिए हमारे साथ फिल्म देखेंगे फिल्म था आंदोलन मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म थी बाबुल सिनेमा हॉल था आज तो याद आ रहा है
मैंने लास्ट डे भी कहा था भाई चलो फिल्म देखते हैं, कम से कम मेरा एंडिंग और बिगिनिंग सेम रहेगा। तो ले गए फिल्म देखने, मैंने कहा प्रिंसिपल ऐसा है अभी ज्वाइन किया और बोलता फिल्म देखने चलो, पता नहीं कौन सा जगह आ गया हूँ। तो गए फिल्म देखने के बाद बहुत जल्दी जल्दी चलने लगे लोग और मैं पीछे पीछे जा रहा था, अंधेरा हो गया 7:30-8 बज रहा है। अचानक दोनों, एक मजुमदार जी थे PRT, दोनों भाग गए, बोले हाँ वहाँ से चले जाइए रिक्शा मिल जाएगा बस चले जाइएगा। अरे दोनों भाग गए, बोले यार कैसे लोग हैं यहाँ पे, नहीं जाना है मेरे को कल। एक हफ्ता बाद मुझे पता चला जब मैं वहाँ जाके मतलब क्वार्टर में गए, किसी के साथ रूम शेयर कर रहे थे मजुमदार जी PRT थे, फिर हम लोग फ्राइडे फिल्म देखते हैं। तब मुझे लगा कि वो माजरा क्या था उस दिन, क्यों ये लोग भागे, क्योंकि वो लास्ट बस था मिस गया तो 3-4 किलोमीटर पैदल जाना पड़ेगा। तो सारे गिले शिकवे दूर हो गए एंड देन राजीव दास बिकेम माई वेरी गुड फ्रेंड, अब प्रिंसिपल भी बन गया यहीं थे अपर। सो दैट वॉज माई लाइफ एंड देन 2-3 दिन के बाद प्रिंसिपल सर आए, प्रिंसिपल सर थे हमारे SB चक्रवर्ती, गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम IIT खड़गपुर, प्रिंसिपल मैथमेटिक्स, मॉस्को में भी अपना टेन्योर कर चुके थे। एंड ही saw my सर्विस बुक, ही saw my certificates and everything. He said, you made a wrong decision. Why did you come to KV? Okay, चलो आज अब गए हैं, he told me one thing and that I kept with me till today. चलो नौकरी करने आए हो, नौकरी करी तो ना करी, ना करी तो नौकरी ना करी। मेरे को समझ में नहीं आ रहा था क्या बोला, तो हिंदी की PGT थे हमारे झा जी, मैंने वो समझा दीजिए क्या बोला, बोले नौकरी करने से कभी ना नहीं करना है और ना करने की आदत रखोगे तो नौकरी मत करो। वो चीज मेरे अंदर में कैसे घुस गया था पता नहीं। इन माई एंटायर टेन्योर आई हैव नेवर सेड नो फॉर एनी काइंड ऑफ वर्क, आई नेवर सेड नो एंड मे बी बिकॉज ऑफ दैट वॉट एवर यू आर ऑल टॉकिंग अबाउट मी, ये इंटेल माइक्रोसॉफ्ट ये सब मेरे पास इसलिए आया था क्योंकि जब भी मुझे मौका मिला, आप उसको क्या कहोगे मौका पर उस पर क्यों बोलते हो ना कुछ, अब मैं ऐसे ही था, लेकिन वो मेरे लिए अच्छा था क्योंकि मेरे मैं पहले दिन से समझ गया था कि मेरे लिए ऊपर में जाने का कोई रास्ता तो है नहीं, प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल बनने का तो ख्वाब ही नहीं देख सकता, PGT का रास्ता नहीं था, तो मेरा ग्रोथ जो है ना इधर ही करना पड़ेगा। तो जैसे जैसे मुझे मौका मिला मैंने चाप इधर ही अपनी हाथ फैलाने की कोशिश की, पंख फैलाने को जो भी करो, एंड आई नेवर सेड नो। मुझे याद है मैंने जब फर्स्ट कंप्यूटर ट्रेनिंग किया था, दैट वॉज इन व्हेन आई द डे आई ज्वाइन नारंगी, अंजना हजारिका मैडम प्रिंसिपल थे, एक सर्कुलर उन्होंने शेयर किया, एक प्रोग्राम था KVS का इंटेल टीच टू द फ्यूचर, इसी स्कूल में हुआ था मेरा ट्रेनिंग, इसी स्कूल में ट्रेनिंग हुआ था और पूरे स्कूल में लास्ट डे ऑफ द स्कूल बिफोर द समर वेकेशन मैडम ने एक सर्कुलर भेजा था, तब तो गूगल शीट नहीं हुआ करता था, कि गिव योर विलिंगनेस, और पूरे नारंगी में जितने टीचर थे आई वॉज द ओनली पर्सन हु हैड रिटन यस एंड एवरीबॉडी हैज सेड नो, क्योंकि सबको लगा था समर वेकेशन में कहीं जाना पड़ेगा। ये मैं बात कर रहा हूँ 2002 का, लेकिन समर वेकेशन में हुआ नहीं था, ये स्कूल खुलने के बाद हुआ था। तो अंजना मैडम का भी एक अलग सोच है, उन्होंने कह दिया कि तब हमें मिसलेनियस कहा जाता था, आजकल कोई नहीं कहेगा, तो हमें दो मिसलेनियस में से मुझे और एक गौतम हमारे दीपक दत्ता WET उनको लिया गया था, PGT का केमिस्ट्री के एक टीचर को लिया गया था और एक कोई दूसरे सब्जेक्ट के लिए थे, तो हम चार लोग यहाँ खाना पर आए थे, ये तब बिल्डिंग नहीं था, एक असम पैर के घर थी। एंड आई टेल यू फ्रेंड्स दैट ट्रेनिंग इंटेल टीच टू द फ्यूचर 10 दिन का ट्रेनिंग था, ओनली द ऑफिस जो आजकल हम लोग कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पावरपॉइंट एक्सेल, ये 3 ट्रेनिंग बाहर करने के लिए उस वक्त 5,000 रुपये लगता था, 2-3 महीने की ट्रेनिंग होती थी, आधा सीखा नहीं सीखा, और यहाँ इंटेल के लोग हमें सिखा रहे थे, राजीव पटेल जी करके कंप्यूटर इंचार्ज था, ही टॉट अस, और मैं उसमें इतना इन्वॉल्व हो गया था
कि इसके बाद जो इंटेल ट्रेनिंग की कोर्स ट्रेनिंग आया, वी वर सपोज टू ट्रेन 10 मोर टीचर्स इन आवर स्कूल, और सारे लोगों ने सब चीज मेरे ऊपर डाल दिया, मैंने ना नहीं कहा, और मैंने 100 लोगों को सिखाया, और इसी रीजन में सिर्फ मेरे पास और ये दीपक दत्ता मेरे साथ जो गए थे, क्योंकि अकेला मुझे सर्टिफिकेट इंटेल नहीं दे सकता है. आई थिंक नन ऑफ यू हैव गॉट इंटेल सर्टिफिकेट, यू हैव गॉट इट, वेरी फ्यू पीपल हैव गॉट इट. दे डिड नॉट वॉन्ट, केयर सर से टीचर जाके स्कूल में कुछ किया नहीं तो देना ही नहीं, बंद कर दिया था. और एक ट्रेनिंग में सर्विस कोर्स से मैडम लोग SST की ट्रेनिंग में इंटेल आस्क किए, देव सर है, देवर सर विल डू द ट्रेनिंग, एंड नजना मैडम सेड अनलेस यू गिव इन द सर्टिफिकेट यू विल नॉट ट्रेन एनीवन. तब मुझे पहली बार मिला था 2 साल के बाद इंटेल का सर्टिफिकेट. फिर आया माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट शिक्षा, और कैसे कैसे मैं उसके साथ इन्वॉल्व होते गया और आगे चल के मैं फैसिलिटेटर बन गया. फिर आया थिंकवेस्ट, thinkwest.com करके आया था पहले, उसमें इन्वॉल्व हुआ क्योंकि मैंने देखा मेरा ग्रोथ इसी में मुझे दिख रहा था कि मैं बच्चों के साथ मिलकर प्रोजेक्ट्स बनाऊंगा ऑन कंप्यूटर, और वो प्रोजेक्ट्स मुझे कहीं ना कहीं जरूर लेके जाएगा. तो वो सिर्फ मुझे लेके नहीं गया, बच्चों को एप्पल के लैपटॉप मिले इंटेल की तरफ से, ओरेकल की तरफ से, और स्कूल में ये बहुत ही अच्छा. गुवाहाटी रीजन में सिर्फ 2 स्कूल है जिनको कलर प्रिंटर्स स्कैनर्स मिला था, एक खानापारा और एक मालेगांव, क्योंकि उस वक्त यहाँ पे भी इसकी हमने बहुत कोशिश की कि यहाँ भी हो, एंड दैट हैज टेकन मी टू डिफरेंट प्लेसेस. मुझे कभी पता भी नहीं था कि ऑल ऑफ अ सडन 2007 में मुझे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इटली की तरफ से एक इन्विटेशन मिलेगा. और पहले मुझे लग रहा था पता नहीं ये दिस कुड बी अ होक्स, फिर हमारे वो लेटर्स आए, उसमें लिखा था कि NOC सबसे पहले चाहिए. जब NOC वगैरह दिया गया तो दैट वाज माय फर्स्ट ट्रैवल अब्रॉड. तो जैसे गांव से कोई जाता है ना, वैसे हालत था मेरा कि कैसे जाऊं, कहां जाऊं, आई हैव नेवर बीन अब्रॉड. सो आई वेंट टू द KVS हेडक्वार्टर, वहां हमारे तब डिप्टी कमिश्नर आई थिंक श्री DK सैनी जी थे, जो हमारे यहाँ पे एसटी कमिश्नर थे, उनसे मिला. बोला अनुतोष जी ऐसा क्यों सोचते हो, टिकट्स आपके पास है, कितना खर्च किया होगा गवर्नमेंट ऑफ इटली ने, 1000 यूरो, 1000 यूरो के लिए आपको क्या मिलेगा, आपको ले जाएगा तो टाटा बिड़ला थोड़ी है, वो आपको ले गया तो डेफिनेटली डोंट वरी. तो मुझे तो सबसे मेरा एक मतलब हमेशा एक ख्वाहिश होता है, अभी भी होता है कभी कभी, कि फ्लाइट में बैठूं और फ्लाइट हाईजैक हो जाए. उसका बहाना है जानते, मुझे फ्लाइट ट्रैवल इतना अच्छा लगता है, आई एंजॉय, और मैं हमेशा बैठ गया कि 2 घंटे में पहुंचना है, कोई इसको हाईजैक कर लूं, कम से कम 12 घंटे 15 घंटे चलेंगे. तो दैट वॉज माई फर्स्ट ट्रैवल अब्रॉड दिल्ली से, और यहाँ पे प्रिंसिपल लोग इतना मतलब उस वक्त एक्साइटेड था मेरे ट्रैवल लेके, जयश्री दास बस मैडम आगे मुझे कोई 2 यूरो 4 यूरो 5 यूरो दे रहे थे कि जाओ ये यूज इट फॉर यू थिंग, दे हैव ऑलरेडी ट्रैवल अब्रॉड. एंड देन दे सेड अनुतोष दिसंबर का महीना है, राजधानी 2 दिन पहले जाकर दिल्ली बैठे रहना, यहाँ का फ्लाइट से जाने का सोचोगे तो मिस करोगे, ये इंटरनेशनल फ्लाइट फॉग के लिए वेट नहीं करता है. बहुत ही अपनापन था उस वक्त, यू नो. एंड देन दिल्ली का सफर तो शुरू हुआ, दिल्ली से मिलान 10 घंटे की फ्लाइट था, सारे लोग सो रहे थे, और मुझे मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आपके साथ कि मुझे डिनर सर्व किया गया था, उसमें सिर्फ घास फूस सिर्फ घास फूस. बगल में मैंने देखा एक आदमी पूरा श्रिम्प खा रहा है इतना बड़ा, और मुझे दिया घास फूस. मैंने कहा ये क्या है, नो इट वॉज प्रेस्क्राइब फॉर यू हिंदू बिल. हमने कहा एक काम करिए, कल मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में कम से कम ऑमलेट तो होना चाहिए. तो फिर नेक्स्ट यू नो, सो दैट वाज माय मिलान तक तो पहुंच गया. मिलान के एयरपोर्ट में जब घूम रहे थे तो अच्छा लगा. जैसे मिलान से मैं रोम के फ्लाइट में बैठा, 1 घंटे का फ्लाइट था, मेरे को डर लगने लगा कि अब अगर रोम उतरने के बाद देखा वहां पे कोई नहीं खड़ा है
मैं तो रोम में ऐसे घूमता रहूंगा। तो लेकिन जैसे मैं लैंड किया लियोनार्डो द विंची इंटरनेशनल एयरपोर्ट में, मैंने देखा सामने मिस्टर देव करके खड़ा है, मैंने कहा बच गया। देन रेस्ट वाज ओके, मैं स्कूल में गए, प्रोग्राम्स होता गया, बच्चे से मिले, उसकी ओरेकल ने यहाँ पे बहुत सारे अच्छा लगने लगा, फिर काम और बढ़ गया, और करते रहे करते रहे करते रहे। जैसे मैं दिसंबर में वापस आया, आते ही बहुत ही खराब लग रहा है मुझे, मेरे प्रिंसिपल थे मलेगांव में तब, पीटी मणियप्पन, अभी एक हफ्ता पहले उनके देहांत हुई है, वेरी नाइस पर्सन, बोलो देव आपका एक और लेटर आ गया, यू आर नाउ गोइंग टू सिंगापुर। पांच टीचर के वी से सिलेक्ट हुआ था, उसमें मैं ही था आर्ट टीचर, बाकी सब पीजीटी टीजीटी, एक सर के बहुत अच्छे कलीग थे, नाउ शी इज असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर। तो मैंने देखा यार सारे लोग तो मतलब टीचिंग होने से है, आई एम फ्रॉम आर्ट एंड आई एम गोइंग फॉर इंटरनेशनल यू नो ट्रेनिंग वेयर आई एम द ओनली आर्ट टीचर। और वहाँ पे सारे जगह के सिंगापुर और पूरा साउथ ईस्ट एशिया के टीचर्स हैं। तो मुझे प्रोजेक्ट करना था एंड प्रोजेक्ट हैज टू बी फ्रॉम योर करिकुलम। तो स्टाफ रूम में ऐसे बात कर रहे थे कि भाई ऐसा कुछ है क्या, एंड एवरीबडी न्यू दैट आई एम अ बिग फैन ऑफ सत्यजीत रे। तो हमारे पीजीटी हिंदी मैडम थी, उन्होंने कहा हमारे है ना लेवन में सत्यजीत रे का एक टॉपिक है अप्पू का ढाई साल, अभी है कि नहीं पता नहीं हिंदी में, अप्पू का ढाई साल। तो वो मेरा प्रोजेक्ट का आधार बना, उसी को लेके मैंने केवी बालीगंज के साथ टाई अप की, क्योंकि कोलकाता में सत्यजीत रे इज अ हाउस होल्ड नेम, असम में इतने ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी हमने उसको किया, पोते पोचली के साथ फिल्म वगैरह दिखा के प्रोजेक्ट बनाया ऑन सत्यजीत रे एंड पोते पोचली। उसके बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक। 2008 एंड आई वेंट टू सिंगापुर, 2009 अगेन आई वाज कॉल्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ यू नो एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इटली, फिर मुझे जाना पड़ा। उसके बाद मैंने बोल दिया कि फिर आप मेरे को मत बुलाओ, मैं नहीं आऊंगा इटली, द सेम प्लेस व्हाई शुड आई गो एवरी टाइम, एंड एवरी टाइम आई गॉट द एनओसी फ्रॉम द हेडक्वार्टर आई मीन फ्रॉम रीजनल ऑफिस। उसके बाद रुका ही नहीं, फिर ये थिंक वेस्ट प्रोग्राम बंद हो गया एंड आई बिकेम द फैसिलिटेटर फॉर साउथ ईस्ट एशिया, करते रहे। मैं आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि अभी सर से बात कर रहे थे, सर बोला कि आप ये शेयर करो सो दैट द यंग पीपल गेट मोटिवेटेड। मैं आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूँ, मैं किसी और की कहानी नहीं बता रहा हूँ, मैं अपनी कहानी बता रहा हूँ, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि आप भी ग्रो करो, आप भी, आपके पास बहुत सारे मौका है और मौका मिला, बिकॉज अदरवाइज योर जॉब विल बिकम वेरी स्टे मोनोटोनस हो जाएगा, वही सुबह आएंगे साथ करेंगे लिखे, मतलब एक ही तरह की क्लास होगी। मैं तो हर रोज स्कूल में आके ये सोचता हूँ कि आज नया करूँगा कुछ समथिंग डिफरेंट, एंड दैट्स व्हाई आई गो बैक होम, पूरा थक के जाता हूँ। और ये पता होगा रोदाली को, कभी कभी मैं सो जाता हूँ गाड़ी चलाते चलाते, और ये मेरे को बोलते हैं सर क्या कर रहा है, कम से कम मेरे बारे में सोचो। ये ब्रिज के ऊपर जाता मुझे नींद आ जाता है बिकॉज मैं इतना थक जाता हूँ। यहाँ सब लोग कह रहे थे कि मैं सुबह ज्योति प्रसाद बोल रहे थे कि सुबह जो एनर्जी है शाम को भी वही एनर्जी है, वो तो आपको दिख रहा था, जो दिख रहा था वो नहीं है एक्चुअली। लेकिन आज तक थैंक्स टू गॉड मुझे कोई मेडिसिन खाने की जरूरत नहीं पड़ी अभी तक, कि रात में नींद नहीं आता अभी तक मेरे पास, आई डोंट हैव एनी शुगर की प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम, स्विगी जबरदस्त करता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, इनफैक्ट कल भी किया। वाइफ ने कहा कि आप तो सुधर जाओ 60 साल के हो गए, मैंने कहा खबरदार, बोले बोल रहे थे बुढ़ा, वही बुढ़ा होगा। मैंने कहा मेरे को बोलना ही नहीं है, डोंट टेल मी, आई नो व्हाट टू डू एंड आई नो हाउ टू मेंटेन माय लाइफ। पर आपको नहीं, आई डोंट टेक माय डिनर, आई ऑलवेज कीप माय डिनर, दिन में जितना खा लिया उतना काफी है, कॉफी बहुत पीता हूँ। और ये जब से ज्योति आया है, और हमारे पास मेरे रूम में दो दो ज्योति है, ज्योति प्रसाद भी है, ज्योति लेखा भी है, और कॉफी में और भी लोग हैं जो विजिटिंग कॉफी मेंबर्स हैं। तो
जब सब लोग आए, पहले मैं छोटा सा कैन में लाता था, मैंने 1 लीटर की कॉफी वो खरीदा था, मैंने कहा सब लोग खाएंगे लेकिन बढ़िया से खाएंगे ब्लैक कॉफी, आई कैन टेक एनी कप्स ऑफ कॉफी ऑल थ्रू द डे। और अभी मुझे कोई पूछ रहा था व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर एनर्जी, कॉफी, ब्लैक कॉफी। यस, आप लोग ब्लैक कॉफी पीजिए, आपके हार्ट भी सही रहेगा। स्विगी मत, सी टी हैज गॉट साइड इफेक्ट्स, इट्स ओनली कॉफी दैट एक्चुअली बूस्ट्स योर एनर्जी, बाकी सब तो आपने मुझे देख के समझ में आ ही गया। तो उसके बाद जैसे थिंक वेस्ट बंद हो गया, आप लोग सुनना चाहेंगे या घर जाना चाहेंगे? क्योंकि इसके बाद शायद मैं आपसे कभी बात नहीं कर पाऊंगा इस तरह। उसके बाद थिंक वेस्ट जब बंद हो गया तो बड़ा निराश आया। आई मीन, और हमने जिंदगी को इस तरह से जिया, हमारे साथ एक वो भी प्रिंसिपल बन गया अभी, अरुण शर्मा, प्रिंसिपल के लिस्ट के जब वो बाहर ही हुई तो सबसे पहले मैंने उसको फोन किया था, बोला सर एक नंबर पे मेरा नाम है अरुण शर्मा, उसको जबरदस्ती पीजीटी इकोनॉमिक्स, जबरदस्ती मैंने उसको थिंक वेस्ट में लाया, काम करवाया, प्राइज दिलाया। उसके बाद वो बोला कि हाँ सर अब चलेंगे आपके साथ दिल्ली, वी वर गोइंग टू दिल्ली। मैंने बोला अरुण एक काम करो, इंडिगो का फ्लाइट एयर होस्टेस से जाके पूछो कि हम लोग ICT एजुकेटर्स है, हमें वो पायलट के साथ कॉकपिट में फोटोग्राफ लेना है। बोले पिटवा गया आप मेरे? बोले नहीं कोई नहीं पिटवाया, जाके बोल। तो जाके किसी एयर होस्टेस से बात किया कि अब अरुण शर्मा यंग बॉय ऑफ 24-25 ईयर्स, बोला जब फ्लाइट लैंड की दिल्ली में तो सारे एयर होस्टेस एक जैसे देखने लगे, बोले किससे बात करूँ, मैंने किसको बोला था मेरे को याद ही नहीं है। तो बोले कोई बात नहीं, लेट अस गो टू द कॉकपिट। कॉकपिट में गया, जाके पायलट कोई जर्मन बैठा था, जाके सीधा बोला आई वांट टू टेक अ फोटोग्राफ, ओके कम। पहले अरुण शर्मा को बैठाया, इतने में CISF वाले आ गए, आप लोग क्या कर रहे हैं? बोले पायलट ने बोला 1 मिनट ही इज टेकिंग अ फोटो, लेट हिम टेक। तो हमारे पास वो फोटोग्राफ है, पहले अरुण शर्मा के लिए, फिर हमने बैठा। और कुछ दिन के बाद बच्चों को लेके जा रहे थे हम थिंक वेस्ट के अवार्ड फंक्शन में दिल्ली, तो बच्चों ने कहा सर आपने तो बैठ लिया पायलट के साथ, अब हमें बैठना है। हाँ ठीक है बिठाएंगे, सेम थिंग किंगफिशर का फ्लाइट था, पायलट को जाके बोल के बच्चे बैठेंगे ऑफिस में, हाँ बैठा दो, बिठाया, फोटो ले ली। तो हमेशा मैं जो कुछ भी अचीव किया वो मैं बच्चों को भी शेयर करना चाहा, और बच्चों को भी जितना हो सके मैंने उसको करवाने की कोशिश की। एंड दैट इज वॉट हैज गिवन मी लॉट ऑफ यू नो, आज ऋतुपूर्ण, दोनों की ऋतुपूर्ण की बात हो रही है, इतने साल के बाद मुझे 2 दिन पहले ऋतुपूर्ण, जिनके बारे में अभी बबीता ने कहा, ऋतुपूर्ण मेरे से फोन पे बात किया, मैंने कहा ऋतुपूर्ण देंगे वाई इज कॉलिंग मी, आई वॉज इन मोहनबारी फॉर ओनली 9 मंथ्स, जस्ट फॉर 9 मंथ्स, और 9 मंथ्स में मैंने किसी को इस तरह से यहाँ तक लिया, इज अ वेरी गुड एंड वेरी यू नो रिनाउंड एनिमेटर, एनिमेशन डिजाइन करता है। अब मुझे नहीं पता था, मतलब देखो वी हैव सो मेनी स्टूडेंट्स कमिंग, यू नो हमारे जिंदगी में इतने सारे स्टूडेंट्स आते हैं, यहाँ भी एक स्टूडेंट बैठी है, तो याद नहीं रहता है स्टूडेंट्स के इतने, बिकॉज वी हैव सो मेनी स्टूडेंट्स। आप लोग सोचिए ना, आप लोग साल में अगर 300 स्टूडेंट को पढ़ाते हैं जो पास आउट होते हैं, और 30 ईयर्स ऑफ सर्विस, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव कम आउट, तो याद रखना, लेकिन स्टूडेंट्स आपको याद रखता है। थैंक यू भाई, जस्ट टेल हिम आई एम वेरी हैप्पी टू हियर दैट। तो मेरा आपसे कहने का यह है कि जैसे जैसे मेरा प्लेटफॉर्म चेंज हुआ, आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माइक्रोसॉफ्ट, आई बिकेम द कंट्री विनर, और दैट्स हाउ आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू गो टू बार्सिलोना इन द इंटरनेशनल ग्लोबल प्लेटफॉर्म, वो भी एक बड़ा सा वो था। अब मैंने काम कभी भी, मैंने कहा ना वो जो एक पहले दिन कहा था ना, नौकरी करी तो ना करी, ना करी तो नौकरी ना करी, ये बात मेरे साथ आज भी है, और शायद दिस इज द ओनली रीजन व्हाई आई कुड टेक डिफरेंट यू नो, मैंने सिर्फ एक ही इन सर्विस कोर्स मेरे लाइफ में एज ए पार्टिसिपेंट ज्वाइन किया था, एक ही इन सर्विस कोर्स, आई थिंक आई हैव दैट रिकॉर्ड इन संगठन, अनदर वन इज अभिजीत।
इनके भी फ्रेंड हम लोग. आई हैड वन अपॉर्चुनिटी टू बी अ पार्टिसिपेंट, और वो जो इन सर्विस कोर्स हुआ था हवारी जी ने उसको कराया था शांति निकेतन में कला भवन के अंदर. दैट वॉज द बेस्ट. और मैं हमेशा ये सोचता था काश मुझे और कोई इन सर्विस कोर्स में नहीं जाना चाहता, बिकॉज आई वॉन्ट टू लिव विद दैट नॉस्टैल्जिक मेमोरीज. कला भवन के स्टूडियोज में काम करने का मौका मुझे मिला था 21 डेज के लिए, और कला भवन के टीचर्स हमें सिखाया था. उसके बाद आई बिकेम अ रिसोर्स पर्सन, और रिसोर्स पर्सन नॉट ओनली फॉर आर्ट, 7 or 8 आर्ट टीचर्स के 21 डेज इन सर्विस, ऑल द ZIETs आई हैव कंडक्टेड इन सर्विस कोर्स, बट आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू बी अ रिसोर्स पर्सन फॉर PGD कंप्यूटर साइंस, जो फर्स्ट बैच आप लोगों का था, अशोक वगैरह बैच ये हमारे. और आई हैड गॉन आउट ऑफ यू नो फ्रॉम आउट ऑफ गुवाहाटी इन डिफरेंट अदर प्लेसेस. करता गया और इसीलिए 5 पेज का बायोडाटा बन गया. अभी आप लोग भी करते रहिए और अपने आप को ऑर्गेनाइज करके रखिएगा. ये मैं आपको बता रहा हूं, एवरी वन ऑफ यू हैव द कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग समथिंग डिफरेंट. एवरीबडी यू मस्ट हैव बीन डूइंग थिंग्स डिफरेंटली, बट यू डू नॉट कीप अ रिकॉर्ड. यू कीप अ रिकॉर्ड. जो भी करते हैं वो अगर 3 दिन का वर्कशॉप भी हुआ तो वो उसको अपने बायोडाटा में कहीं ना कहीं जोड़ के रखो. आपके हाथ अगर 3 बच्चे अगर इंटरनेशनल में राकेश जी को बोल रहा था, ये लिख के रखिए, क्योंकि जिस दिन आप प्रिंसिपल के पोस्ट के लिए जाएंगे इंटरव्यू में आपसे यही पूछा जाएगा आपने कितना डिग्री की और कितने साल से KV में है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. अपने बच्चों के साथ क्या क्या एक्सलेंस अचीव किया था वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो प्लीज नोट इट डाउन, स्टार्ट फ्रॉम day 1 एंड कम टू द रिजल्ट टुडे. अगर मैं आपको जब अप्लाई करता हूँ प्रेसिडेंट अवार्ड के लिए अप्लाई किया था तो मुझे कहा गया था कि सारे आपके सर्टिफिकेट्स इतने सारे हैं जेरोक्स कर दीजिए, 450 pages जेरोक्स करके मुझे देना पड़ा. बट क्योंकि काम था और डिसीजन पूछ रहे थे, आपने ये सब कहाँ से इतना सब क्यों किया आपने? मैंने क्यों किया मतलब मुझे मौका मिला मैं किया, सर्टिफिकेट है मेरे पास इसके लिए. तो आप लोग भी आज से जो लोग नए ज्वाइन किए हैं प्राइमरी टीचर्स भी, आप यू हैव अ रोड बहुत आगे तक जा सकते हैं. PGDs TGDs सारे लोग जा सकते हैं, एक हम ही है सिन्हा जी बोरुआ सर और हम म्यूजिक मैन, हम लोग जहाँ है वही रहेंगे. इसलिए अपने आप को इधर से रिसोर्सफुल कर लेते हैं. आप लोग आज से ही आज से ही स्टार्ट करना घर जाके कि आज तक आपने 4 साल की नौकरी में क्या क्या करके आया. राइट इट डाउन समवेयर, भूल जाएंगे आप लोग. सर्टिफिकेट से तो उसको ऑर्गेनाइज करिए, फ्रॉम द ओल्डेस्ट वन कम टू द रिसेंट वन, डोंट डू द अदर वे. जो अपने पुराना था वो तो रहेगा, रिसेंट वन को सबसे ऊपर रखिए. इन सर्विस कोर्स हो, ट्रेनिंग हो, कहीं आप गए थे किसी, डोंट कीप रिलीविंग ऑर्डर्स देयर. मैंने टीचर्स को देखा है नेशनल अवार्ड के लिए अप्लाई करते हैं रिलीविंग ऑर्डर डाल देते हैं, मैं बच्चों को वहां स्कोर करके ले गया, दैट इज नॉट योर अचीवमेंट. करना नहीं है. कीप दोज डॉक्यूमेंट्स विद यू विच विल शो यू एज अ पर्सन, एज अ पर्सनैलिटी नॉट अ पर्सन. और क्वालिफिकेशन जितना हो सके ले लो, नथिंग इज गोज फॉर अ वेस्ट. मैं इतना कंप्यूटर के बारे में सब लोग बता रहे थे, मैंने कंप्यूटर में इतने सारे काम किया, अगर देखोगे तो मेरे पास कंप्यूटर जो इन दोनों के पास है वो मेरे पास नहीं है. आई डोंट हैव अ डिग्री इन कंप्यूटर एंड मुझे नहीं चाहिए, मुझे कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं सीखना है. आई यूज माई कंप्यूटर लाइक ए स्लेव, मैं जो चाहता हूँ वही चाहिए. और ये भी मुझे एक बहुत ही ऑर्डिनरी पर्सन ने बताया था. गुवाहाटी में एक दुकान है डाटा मेशन, आई थिंक मेनी ऑफ यू नो, उनका जो ओनर है वो मेरा दोस्त बन गया. मैं गया था बहुत अच्छा सब कंप्यूटर खरीदने के लिए, 80,000, 75,000. ही जस्ट टोल्ड मी वन थिंग, व्हाई आर यू इन्वेस्टिंग सो मच इन अ कंप्यूटर, नोबडी विल इवन आस्क यू इसका रैम कौन सा रैम में निकाला था, कौन सा रोम था, क्या था.
इन्वेस्ट ऑन अ प्रिंटर, क्योंकि आउटपुट ही आपको दिखेगा, कैसे आपने काम किया वो आपको नहीं दिखेगा किसी को. सो ऑलवेज इन्वेस्ट ऑन, थिंक अबाउट द आउटपुट, देन आई परचेज अ वेरी गुड प्रिंटर. मतलब प्रिंटर, अब जिस प्रिंट पे प्रिंट आउट जब आप लेके, अल्टीमेटली इट इज गोइंग टू बी अ प्रिंट आउट, अल्टीमेटली इट इज गोइंग टू बी अ प्रेजेंटेशन. सो दैट टाइम दे विल नॉट, नोबडी विल आस्क यू कि आपका घर में कौन सा सिस्टम है. दे विल ऑल आस्क यू हाउ यू गॉट दिस डन, कौन सा सॉफ्टवेयर आपने यूज किया. तो आप लोग ICT इंक्लाइंड हो जाएंगे, सब लोग WhatsApp, Facebook, Twitter, बहुत लोगों ने अभी कर दिया होगा यहाँ पे बैठे बैठे कि आज मैं घर नहीं पर आ पा रहा हूँ. ये करते हैं ना, थोड़ा सा एजुकेशन पे लेके आइए, ब्रिंग इट टूवर्ड्स योर एजुकेशन. एजुकेशन डज नॉट मीन कि दिखा रहे हैं, दैट इज नॉट ICT. ICT इज ऑलवेज रिमेम्बर, व्हेन यू गो टू अ होटल, यू बुक अ होटल, बुक करते हैं ना ऑनलाइन में, होटल बुक करते हैं. अब कौन सा होटल बुक करते हैं जिसमें कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट होता है, करते हैं ना हम लोग, करते हैं कि नहीं कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट. सो दैट कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट इज लाइक यूजिंग द ICT. ICT डज नॉट मीन कि हम पूरा कंप्यूटर में LCD चला के पूरा दिन का क्लास ले लिया 40 मिनट्स का, दैट इज नॉट ICT. ICT मस्ट बी ओनली दैट 10 मिनट्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट, एंड दैट विल कीप योर क्लास ग्लूड. Amazon के जंगल के बारे में अगर बोल रहे हैं, और Amazon का एक छोटा सा वीडियो दिखा देंगे एट द एंड, आपने जितना मेहनत करके 20 मिनट का क्लास लिया था वो 10 मिनट का वीडियो में बच्चों को जिंदगी भर के लिए याद करा देगा. तो वैसे बहुत कुछ और कहना है, लेकिन थैंक यू, यू हैव गिवन मी अ सच वंडरफुल मोमेंटस. और यहाँ रहते हुए तो मैंने, हालांकि मैंने बहुत लोगों को बोला था आइए कभी मेरे घर, अब यू आर ऑल इनवाइटेड, कभी भी आना चाहते हैं जस्ट मुझे एक बार बता दीजिए, मैं अपना लोकेशन शेयर कर दूंगा, आइए मेरे घर पे कॉफी पिलाऊंगा. थैंक यू.